अधिक धन हो जाने पर, ध्यान से सुने, मैं एक बहुत विशेष बात आप सबके लिए बोल रहा हूं, अधिक धन हो जाने पर जीव विषयी हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में कहा, मद्यपान करता है, स्त्री गमन करता है, जुआ खेलता है, मीट इत्यादि खाता है, उल्टे सीधे काम करता है, दूसरों का अपमान करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, मारता है, पीटता है, ये अभिमान करता है लक्ष्मी की वजह से। लेकिन ये लोग वो करते हैं जिन्होंने कभी सत्संग न किया हो, जिन्होंने कभी भगवान की कथा श्रवण न की हो, और जिन्होंने कभी भी भगवान की कथा श्रवण की हो, उनमें ये लेस रहता है, उनमें ये बीज रहता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो मेरे परमात्मा का है, मेरे परमात्मा ने मुझे कुछ काम करने के लिए ये धन दिया है, ये संपत्ति दी है, ये तो बस धर्म के लिए दी है, मुझे मेरे लिए नहीं दी है। तो वो व्यसनों से बच जाता है और शुभ कार्यों में लग जाता है। जब आप यहाँ बैठते हो तो ये धन का सदुपयोग है, और यहीं की बजाय मदिरालय में जाओ तो ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा एक बात बताओ, बजाओ बजाओ। अधिकांश व्यक्ति धनवान पार्टियों में ज्यादा जाता है कि कथा पंडालों में? यहां पर जितने भी लोग आते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग आते हैं। क्यों? जितने गरीब होते हैं उतने ही श्रद्धावान होते हैं। धनवान होने पर तो अभिमान होता है। हम नाम नहीं लेंगे, एक व्यक्ति है हमारे, उनको बड़ा अभिमान है कि उन पे बहुत धन है, और इतना अभिमान है उनको, इतना अभिमान है। वैसे तो हम जाते नहीं, पर जब कभी मिलना हो जाए कहीं तो उनका प्रणाम हमसे स्वीकार नहीं हो पाता, इतने गजब किसे प्रणाम करते हैं। किस वजह से? धन के अभिमान की वजह से। क्योंकि धन जब हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी ही हमको प्रणाम करें, गुरुजी तो हैं हमारे, हमको प्रणाम करें, ये धन का अहंकार करवाता है। लेकिन करें क्या, देवी की नंदन बड़ों का आदर तो करता है पर स्वाभिमान को मरने नहीं देता, यही तो संपत्ति है हमारे पास में, और है क्या। भगवान से हमने जीवन में यही मांगा है, बड़ों का अपमान न हो और स्वाभिमान का भी अपमान हमसे न हो जाए। ब्राह्मण के पास सिर्फ स्वाभिमान है, और कई लोग स्वाभिमान की गारंटी लेते हैं, वो स्वाभिमानी नहीं होते, जबरदस्ती करते हैं स्वाभिमान के। सामने वाले ने जब कुछ कहा ही नहीं तो आपका स्वाभिमान हट कहां से हो गया? नहीं समझे? कई लोग कहते हैं हम स्वाभिमानी हैं, सामने वाला कुछ कहे तो हट हो ना, तो वो जबरदस्ती है। पर हां, अपना स्वाभिमान सम्मान करके रखना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप अपना सम्मान खुद कीजिए। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो आप सम्मानी होंगे, लेकिन खुद का सम्मान तभी होगा जब अच्छे काम करेंगे। बुरे काम करते हो तो आप अपने अपने ही सेल्फ का, अपने आप का अपमान करते हो।